स्माइल डिजाइन के एक न्यू केस। तो ये पेशेंट है खुशी जी, जो हमारे पास दिल्ली से आए हैं। तो चलिए जानते हैं खुशी जी से। खुशी जी, आपके दांतों में क्या दिक्कत था पहले? मेरे चार दांत छोटे थे और उनमें ना प्रॉब्लम थी, वो गंदे दिखते थे, तो मैं चेंज करवाना चाहती थी, वो ना दांत तो से अलग ही दिख रहे थे। इनके साथ में मेनली क्या इशू था कि इन्होंने पहले जो भी है फ्रंटल फोर टीथ का ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवाया हुआ था, जिसपे इन्होंने पीएफएम कैप्स लगाई हुई थी, बट पीएफएम कैप इनके दांतों से मैच नहीं हो रही थी, कलर्स मैच नहीं हो रहे थे और डिजाइन जो था वो सुटेबल नहीं था। तो इसी रीजन की वजह से आपने स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट कराया। तो स्माइल डिजाइन के ट्रीटमेंट के दौरान में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ ऐसा कुछ हुआ? ठीक है। अभी आप सेटिस्फाइड हो अपने स्माइल से? अभी तुम हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहती हो? मैं हैप्पी हूँ, अब मैं अच्छा लग रहा है मुझे, मैं खुश हूँ। अगर आप लोगों में से भी किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रोसेस है, अब ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि भाई हमने जो कैप लगवाई हुई है अगर हम उसे चेंज करवाना चाहें या निकलवाना चाहें, तो जैसे आपने पहले कैप लगवाई थी उसको हटा के रिप्लेस करके हमने उस पर ट्रीटमेंट किया है, तो पुरानी वाली कैप्स जो है वो हमने निकाला है। तो पुरानी वाली कैप्स निकालने में आपको कोई तकलीफ, कोई भी दर्द, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम महसूस हुआ? नहीं, नहीं होता। देखिए, जैसे कि आपने पेशेंट के एक्सपीरियंस से जाना है कि काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि हमने तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट करा लिया है बट इस ट्रीटमेंट से हम खुश नहीं हैं, या फिर हमने पहले कभी पीएफएम क्राउंस लगा लिए, हमें पता नहीं था कि ऐसा भी कोई इलाज होता है, तो हमारे दांतों में ऑलरेडी क्राउंस लगे हुए, तो अब हम नया ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। तो आप कई दांतों पे कोई भी क्राउंस लगा है, कुछ भी लगा है, आप उसको सेफली रिमूव कर सकते हो। क्राउंस रिमूव करने पे जैसे हमने आपके जो पहले के जो दांत रिमूव किए उसमें आपके जो ओरिजिनल दांत थे उनको कोई इफेक्ट पड़ा? जो उसके अंदर दांत थे कैप के अंदर जो दांत थे उनको कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके जो अंदर दांत है हम कैप को निकालेंगे तो आपके अंदर के दांत भी निकल जाएंगे, अंदर के दांतों को कोई नुकसान पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है। कैप को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आपने पहले लगाया हुआ है और वो आपकी कोई भी कंडीशन से खराब हो गया है या वेस्ट हो गया है, आप उसको चेंज करवाना चाहते हो किसी भी रीजन से, तो वो ईजिली हो सकता है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी रही हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।